वेलकम बैक नाज़रीन नाज़रीन सैयद ज़फ़र अली शाह साहब असां गॾु मौजूदु आहिनि सीनियर पॉलिटिशियन आहिनि सीनियर कानूनदान आहिनि। ब्रेक खां पहिरीं वॾी अहम ऐं दिलचस्प ॻाल्हियूं बि थियूं ऐं माज़ी जे जेके कुझु तारीख़ी पस मंज़र ते वाक़िअनि ते बि ॻाल्हि ॿोल्हि थी। हाणे थोरो माज़ी ते सैयद ज़फ़र अली शाह जी सियासी ज़िंदगी वॾी अहम रही आहे। हिननि जो तालुक़ु पीपल्स पार्टी सां बि रहियो, नून लीग सां बि रहियो, हाणे तहरीक इंसाफ़ जो हिसो आहिनि। त यकीनी तौर ते सियासी कल्चर जे हवाले सां वरी ॼाण था रखनि। शाह जी, सियासी कल्चर तो आपके, क्योंकि तीनों पार्टियां बड़ी पार्टियां उनका हिस्सा रहे हैं, माजी में पीपल्स पार्टी, फिर जी नून जी लीग, फिर अब पीटीआई में है। बिल्कुल, तो यकीन तौर पे आप तीनों पार्टियों के स्टैंडर्ड को तो जानते होंगे। आप तो मुझे क्यों पूछे, मैं इन पे इंसाइक्लोपीडिया लिख सकता हूँ अच्छा, इन तीनों पार्टियों पे। ऐसे एक सवाल मैं पूछना चाहता व्हाई हूँ, नॉट, ठीक है? दो दस पूछे। आप सेनेटर रहे पीएमएलएन की पार्टी से, कोई वजह तो होगी ना कि भाई पार्टी में कोई अच्छी चीज़ होगी, मियाँ शहबाज शरीफ की, मियाँ नवाज शरीफ की, उसकी वजह से बंदा एफिलेटेड होता है ना। मसलन मुझे मेरा आंटी भी अच्छा लगता है तो मैं इसलिए एफिलेटेड हूँ। आप भी उस पार्टी के साथ एफिलेटेड इतना रहे पीएमएलएन के साथ, किसका किरदार था अच्छा जो लगा जिसकी वजह से आप अटैच रहे, शहबाज का, नवाज का? नहीं, शहबाज साहब तो उनको मैं पॉलिटिशियन मानता ही नहीं हूँ, मियां नवाज शरीफ साहब के पास रहते। मैं तहरीक इस्तकलाल एक जमात थी, अगर जनाब को जी पता जी हो, जी एयर मार्शल असर खान साहब की, जी मैं उस जमात में था। अच्छा, मेरी उस जमात का और मियां नवाज शरीफ साहब की जमात का इत्तेहाद हुआ था 93 के इलेक्शन में। जो 93 के इलेक्शन में फिर मैं इलेक्शन भी इधर सूबाई असम्बली का जी पिंडी से मैं जीता, बिल्कुल मैं मेंबर था उस जमात बिल्कुल का। तो उसके बाद देख रहे हो, इसलिए मैं कहता हूँ बहुत सारी बातें साइड में चली जाती है मतलब। तो मैं उसके बाद मुस्लिम लीग में आया था और एयर मार्शल असर खान साहब को कह कर आया था, और मैं सूबाई असम्बली में एक अपोजिशन का रोल था मेरा। नवाज शरीफ साहब की वजह से आए थे, नवाज शरीफ साहब की वजह से आए थे, पार्टी चेंज मेरा हुई। मतलब इतिहाद जो जब हो गया हाँ तो मैं टिकट होल्डर था। अच्छा, हाँ, शायद 100 वोट मुझे नवाज शरीफ साहब को मिली की वजह मिली हो, 2 वोट मुझे अपनी मार्शल असगर खान साहब की वजह से मिली हो। बिल्कुल। लेकिन मैं ये, आपने आपने लेकिन पूछा बीइंग ना होल कि पॉलिटिकल लीडर उसका क्या किरदार था, किसका, नवाज शरीफ साहब का? क्योंकि मुतासर थे, आप समझते थे उनका किरदार पॉलिटिकल पार्टी के लीडर की तरह अच्छा है आपके ख्याल में? इंस्पायर तो होता है ना, ऐसे जबरदस्ती तो नहीं बंदा उसके ना अंदर नहीं, डालता। जबरदस्ती वाली बात कोई नहीं थी बताया मैं वो। अब ये भी आपने बात पूछी है, तो मियां नवाज शरीफ और मैं दोनों इकट्ठे तहरीक इस्तकलाल में थे, वो हाँ भी तहरीक इस्तकलाल में था, बिल्कुल, हम साथी हो गए, कलीग हो गए एक जमात में। वो मुझसे थोड़ा अरसा पहले निकल के मैं बाद आ गया, बिल्कुल और मैं इनके साथ इकट्ठा हुआ, और फिर मैंने अपना एक मुस्लिम लीग में रोल अदा किया। कोई मैं कोई जागीरदार नहीं हूँ, ना मैं कोई टिकट खरीदने वाला हूँ, ना बेचने वाला हूँ, मतलब मैं अपना एक, मैं पोलिटिकल वर्कर हूँ। बिल्कुल और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं, आपने पूछा ना कि वो कौन सी बात थी, मतलब छोड़े बहुत सारी बातें होंगी भी या नहीं होंगी, नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन एक बात दुरुस्त थी कि मैं मियां नवाज शरीफ साहब को ईमानदारी से उनको एक ईमानदार पॉलिटिकल लीडर समझता था। समझता था, अब नहीं? नहीं है ना, इसलिए तो छोड़ दिए मैंने। अच्छा, अब जब मुझे ये पता लगा कि उसको तो सुप्रीम कोर्ट पूछती है कि मियां साहब ये कमीज आपकी लंबी कहाँ से है, ये किधर से लाए आप? तो यहाँ के जो लोकल लीडर हैं तारक फजल चौधरी दूसरे, वो तो कह रहे थे कि आप मेयर बनना चाहते थे बल्दियाती इलेक्शन में, इसी वजह से आप नाराज हो गए। उन्होंने एक ये अच्छा डिफेंस ढूंढा हुआ है, मैं बात मानता हूं। और बल्कि उन्होंने तो आपको हराया भी, बल्कि किसी ने तो ये स्टेटमेंट दी कि शाह साहब तो चेयरमैन या काउंसलर की सीट भी नहीं जीत सकते, फजल साहब ने ये स्टेटमेंट भी दी थी। जिसको मैं खुद लेके आया था, लेकिन क्या ये मुझे बताएं, सियासत में आके चेयरमैन बनना या मेयर बनना की या उसकी ख्वाहिश रखना गलत बात है? ये तो उसका राइट है, सियासतदान बनता किस लिए है कि तो तरक्की फिर करने। कहते इसमें क्या है? अगर लेकिन वो मैं, क्रेडिबिलिटी ठहरे नहीं मेरी दिखा बात सुन ले, रहे थे। अगर एक शख्स जिसका अब तो खैर पर्दे ही खुल गए हैं ना सारे, मैं मियां नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ, अगर वो इतना डिसऑनेस्ट और इतना करप्ट है कि उसने मुल्क लूट कर रख दिया और मुल्क को हला कर रख दिया, अगर वो 4 बार मुल्क का वजीर आजम बनना चाहते हैं, तो एक अगर कारकुन है जो एक अनस्ट कारकुन है, तो अगर वो मेयर बनना चाहते हैं तो क्या ये कोई गुनाह है? आपको इतने अरसे में पता नहीं चला कि वो करप्ट हैं? मतलब आपको फैसले के बाद पता चला? आप इतने अरसे अल्लाह नाइनटी थ्री से अल्लाह लेके नहीं मुसलसल नहीं साथ रहे आप आपके। अल्लाह अल्लाह जानता है, मैं अल्लाह को अल्लाह जानता हूँ, मुझे नहीं पता था।
आप देखें ना, पता तो मुझे तभी लगे ना जब कोर्ट में मुकदमे आए और उन्होंने पूछा जी ये मकान आपके किधर से आप लाए। जरदारी साहब वाले बयान देते थे उस पर भी यकीन नहीं आया। आसिफ अली जरदारी कहता था, आसिफ अली जरदारी साहब कहाँ, हाजी अलुद्दीन है, उनके बारे में तो आपने सवाल नहीं किया शायद, वो चूंकि सिंध के लीडर है इसलिए आप करें उनके बारे में। ना आप सवाल करेंगे तो मैं जवाब दूंगा। अभी जो नाम लिया है ना, मेरी बात सुने ना, आपने नाम लिया है ना, वो कहाँ से इतना हाजी अलुद्दीन आ गए? उनको तो मैं बीनम सनमत से जानता हूँ। अच्छा, उनके वालद साहब से मेरे बहुत अच्छे तलुकात थे। उनके वालद साहब की डेथ हो गई थी तो मैं दुआ करने के लिए गया था, उस वक्त का वोटर बना, तो उनके वालद साहब को भी जानता हूँ, उनके साथ भी मेरे तलुकात थे। तो उसको कैसे सर्टिफाई करेंगे वो करप्ट है? किसको? नवाज शरीफ को तो पता चल गया ना वो करप्ट है, आप कह रहे हैं फैसले का, आप कह रहे हैं जरदारी भी करप्ट है, तो वो कैसे पता चलेगा करप्ट है? पता नहीं चला वो तो कैसे सियासी केसेस हैं ना, आप पार्टीजन मत हो आप। नहीं नहीं मैं नहीं हो रहा, वो कह रहे हैं सियासी केसेस हैं, जरदारी साहब के पीपल्स पार्टी के रहनुमा कह रहे हैं जरदारी साहब के ऊपर जो केसेस थे वो सियासी थे। आप नहीं कहा है करप्ट वो हैं, इल्जामात उन पे हैं, अपने बीवी के भाई को मर्डर उन्होंने करवाया है, ये सारी बातें रिकॉर्ड की है, अखबारात की हैं, किताबों की हैं। फिर अदालत में कोई नहीं गया? कौन इस मामले जो आप बात, ये तो उसकी बहन वजीर आजम थी तो वो नहीं गई, वो जिम्मेदार है। तो मैं जिम्मेदार हूँ, क्या बातें आप करते हैं? अभी फैसले ना करवाए ना सारे आप, ये लोग खुद जब सुनेंगे तो मेरी बात कोई गलत लगी उन्हें तो कहेंगे लाख लाना था ये बकवास करता है। अगर आपके कोई सवाल कोई गलत हुआ तो ड्यू रिस्पेक्ट आपको कहेंगे कि जी ये गलत सवाल कर रहे हैं, इसलिए वो तो पब्लिक में छोड़े ना। तरीक इंसाफ 100% परफेक्ट जमात है, 100% तरीक इंसाफ, हाँ 100% परफेक्ट। नहीं नहीं मैं कौन होता हूँ, होंगी गलतियां भी होंगी उनमें, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ सो फार टिल टुडे टिल दिस टाइम इमरान खान पर कोई एलिगेशन ऐसा नहीं है कि जिस पे मैं ये कह सकूं कि वो करप्ट है। वो हेलीकॉप्टर वाला केस जो था, क्या हेलीकॉप्टर था? वो कह रहे थे इस्तेमाल किया है केपी के हुकूमत का अपने असर सुख इस्तेमाल केपी के भी उसकी भी हुकूमत थी और अब तो हुकूमतें इनकी है ना। नेब में पेश होना था, नहीं पेश होते थे वो तो नेब का केस नहीं है। ये तो एक 12-13 जमातें जो करप्ट कट्ठी हुई हैं, टोला है जो एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन इन्होंने एक इकट्ठ बना लिया है क्योंकि इनके मास्टर माइंड जो हैं या इस मास्टर माइंड उन्होंने इनको इकट्ठा कर दिया, ये नमाज नहीं पढ़ते एक दूसरे के पीछे। मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरह इनको, और एक तरफ एक आदमी है एक तरफ ये टोला है, और आज अब ये इतने डेमोक्रेट इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते, ये क्यों घबराते क्यों उससे? वो कहते हैं टाइम पे होगा ना, टाइम इनके बाप का टाइम है, आईन ने असेंबली जब टूट जाए तो क्या इलेक्शन नहीं होते? वो तो अनाउंस कर दिया 30 अप्रैल होगा ना लेकिन। जी अनाउंस कर रहे, कोई मई में चले गए कुछ और भागे, भाग रहे इलेक्शन कमीशन भाग रहा है, सिक्योरिटी एजेंसी वो भाग रहे हैं, वजारत खजाना भाग रही है, क्या बात करते हैं आप? वो कह रहे पैसे नहीं है ना, हैं पैसे नहीं है पैसे, इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं 200 अरब लगेंगे, बचत करनी है, 50 अरब में काम हो जाएगा, इकट्ठे कर लो इलेक्शन पैसे। आपको पता है कि हर बात में ये इसमें बजट में पास होता है और बजट में रखी जाती है रकम और पास हुई हुई होती है। अच्छा तो फिर क्यों कहते हैं ये लोग? ये फिर ये गुमाश्ते हैं ना, इनको मुल्क के साथ कोई हमदर्दी नहीं, डेमोक्रेटिक सिस्टम के साथ कोई हमदर्दी नहीं, मुल्क के साथ नहीं, आइन के साथ नहीं, क्या बातें करते हैं आप? आप तो माशाल्लाह सीनियर हैं आपको तो। मैं आपने देखा ना कि पुलिस ने जो भी किया कार्रवाई की, उसके बाद कारकुनों के ऊपर भी कार्रवाई हुई, कारकुनों की जानब से भी पेट्रोल बम फेंके गए, एक ऐसा माहौल रख रहा था कि जैसे एक मुल्क के अंदर खुदा न खास्ता इंडिया पाकिस्तान की सूरत हाल बनी हो, मतलब उधर भी हमारे पाकिस्तानी फोर्सेज भी हमारे पाकिस्तानी। वो आप कानून के तालिब इल्म हैं, वकील हैं, सीनियर कानूनदान हैं, आपको समझते हैं, आप समझते हैं कि इस तरह
रोकना उनका, पुलिस का किरदार तो ठीक है, वो शेलिंग करते हैं, वो तो फोर्सेस है ना, पीटीआई के कारकुनों की जानिब से पेट्रोल बम फेंकना, गाड़ियों का जलाओ खराब करना, ये उनका तर्ज अमल सही था कानूनी तौर पे? पहले अमल पे आए ना, फिर तर्ज अमल भी देख लेते हैं। ठीक है, मैं वकील हूँ, आप खुद अभी कह रहे हैं मान रहे हैं जी, आज तक मैंने कभी किसी नोटिस, किसी सम्मन, किसी वारंट की तामील इस तरह कराते हुए आज तक जिंदगी में ना देखी है ना पढ़ी है। अच्छा, वो कह रहे मुजम्मत हो रही थी इसलिए फोर्स बुलाई, मुजम्मत हो रही थी इसलिए फोर्स बुलाई, उनको आ गई उनको आवाज आ गई, क्या कर रहे हैं आप? मतलब वो कह रहे हैं ना कि आईजी साहब पहले प्यार से गए, आईजी कारकुनों को आज तक आईजी ने कभी कोई वारंट या सम्मन तामील नहीं कराया, सिपाही कराते हैं और एक सिपाही जाता है या दो जाते हैं। वजीर आजम बड़ी शख्सियत है तो अच्छी बात है, फिर बड़ी शख्सियत के ऊपर ये कि पूरा आप अल्लाह बोलकर जाते हैं उसके घर पर, उसके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी देखी है, 1000 खौल पड़ा हुआ था सिर्फ उसका आंसू गैस का और गोलियां जो पड़ी थी, मजामत थी तो वो रुक गए, नहीं तो अगर इतनी सारे मजामत ना होती तो गिरफ्तार करके ले जाते। तो अगर लोग किसी के साथ खड़े हो जाते हैं, लोग अगर वो पॉपुलर लीडर है तो क्या आप मना करेंगे? तो मतलब कानून का इम्प्लीमेंट होना ना, कानून की बात तो मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि कोई कानून में ऐसी बात नहीं है कि आईजी जाकर तबील करवाए या डीआईजी करवाए या 10,000 का लश्कर जाकर कराए, क्या कर रहे हैं आप? मतलब नहीं, लश्कर तो इसलिए गया ना, वो कहते हैं मजामत, वो लश्कर को खामे आती हैं, क्या कर रहे हैं आप? क्या कह मजामत, यानी यहाँ से लोग क्या कर रहे हैं आप? नहीं नहीं आप, यू आर ए सीनियर एंकर, इस तरह वैसे जो मर्जी आपका राइट है, मैं कह रहा हूँ मैं ग्राउंड रियलिटी में जो वर्डिंग है वो कहते हैं मजामत थी तो इसीलिए मजामत कहां से शुरू, मजामत तभी हुई ना कि अगर चलो मान ले तो आपकी बात तभी मजामत हुई है ना कि अगर मेरे घर पर यहां पर 10,000 बंदा चढ़ाए, पुलिस का, रेंजर का या और लोग आ जाए तो क्या मैं मजामत नहीं करूंगा? मतलब आप ये कह रहे हैं कि पीपी नून लीग इन किसी पार्टी के ऊपर मजामत पुलिस लेने आए तो वो मजामत कर सकते हैं उसके कारकुन? मुझे नहीं पता, ये तो उनको पता होगा ना, जिस पर ये तो उनको पता, मैं राइट की बात कर रहा हूँ, उनका राइट है। आप बहुत सारी आप बातें जो हैं देखना, एक घर वाले को, एक घर का मकीन है उसके लिए इस्लामाबाद से डीआईजी जा रहा है, पंजाब से आईजी जा रहा है, हेलीकॉप्टर जा रहा है, ये तबील का तरीका है? आप बताएं मुझे, सीनियर हैं आप एंकर, बताएं ये तबील का तरीका है? नहीं, तामील का तो उन्होंने तो कानून के इम्प्लीमेंट करवाया, वो कह रहे हैं वो नहीं आप मुझे मैं वेरी सॉरी टू से, वेरी सॉरी टू से, गलत था, मुझे गलत नहीं करना, बहुत वेरी सॉरी टू से, बहुत गलत। अगर अगर आप इस तरह, वो कह रहे हैं कि हमने जज का हुक्म तामील करने के लिए, क्या तामील हो, मैं गिरफ्तारी का आदमी 60 साल की प्रैक्टिस है, मैं 60 साल का वकील हूँ, आप मुझे बता रहे हैं कि भाई तामील कैसे कराई जाती है? ये तो उनको बताया ना, मैं तो आपकी तो मौके से कायल हूं, आप चूंकि आपका सवाल उनकी तरफ से आ रहा है तो लिहाजा मैंने जवाब तो देना है ना, मेरा जवाब भी उन्हीं के लिए, आपकी जात के लिए नहीं है। बिल्कुल, अगर आप उनकी तरफ से वकील बनकर सवाल करेंगे, कोर्ट वो है नहीं, उनको कोर्ट कर रहा हूँ उनकी स्टेटमेंट, तो बस मैं उन्हीं को जवाब दे रहा हूँ, सही, उनका अमल गलत था, हैं? उनका तर्ज अमल गलत नहीं था, इलीगल था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, उसके लिए आप कानूनी रास्ता भी इख्तियार करें, वो तो उसका फैसला तो जवाब करेगी या खान साहब करेंगे। साहब आखिर में, सिंध की नाजरीन आपको देख भी रहे हैं, बड़ा पसंद करते हैं, सुनते हैं, इस सारी सूरत हाल में हल क्या है? अब अलग अलग एस्टेब्लिशमेंट माने नहीं या जमाते हैं, ये 13 चंडाल चौकड़ी जो इकट्ठी हुई है, अगर ये माने ना तो उसका क्या इलाज है? हल उसका है ना कि मुल्क में इंतखाबात करा, जब फैसला कौम ने कर रहा है। अच्छा, उन इंतखाबात को आप मानेंगे इस इलेक्शन कमीशन के अंडर में हुआ तो? आगे भी इसी इलेक्शन के अंडर में नहीं देखा आपने? मैं माने, इमरान खान ने 8 इलेक्शन जीते हैं सीधे सीधे नेशनल असेंबली के, और जो उसके अंडर पंजाब में जो जीते हैं वो अलग हैं, मानेंगे ये फिर वही बात, मानेंगे नहीं क्योंकि वो एक बात ये होती है ना कि ये हुकूमत कहती थी हम हालात संभाल लेंगे, नहीं संभाल सकी, अब वो कहती है हमने, ये तो कहते थे, ये तो कहते थे जी हम आने दें, हम डॉलर को यहाँ लेकर आएंगे, वो मैं कहता हूँ ना उनको कोट करते हैं, वो कहते थे हम पीछे हट के, उनकी नाकामी है। आप लोग इसी इलेक्शन कमीशन के अंडर में अगर इलेक्शन हो गए आप लोग मानेंगे? क्योंकि ये खदशा है कि आप लोग शायद ना माने और एतराज करेंगे। अच्छा, जब नहीं मानेंगे तब देख लेंगे ना, आप कराएं तो सही।
बहुत बहुत शुक्रिया शाह जी, थैंक यू वेरी आपने मच, अपना थैंक यू कीमती वेरी वक्त मच, दिया बहुत मेरा आंटी मेहरबानी। को। नाज़रीन सैयद ज़फ़र अली शाह साहब से आज प्रोग्राम में खसूसी गालबोल की सी इन सगत पानी मेज़बान मुदसर के लिए इजाज़त इन तरफ़ बेराज।